हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक कंप्लीट रिव्यू देंगे आपको मंगलायतन यूनिवर्सिटी के बारे में कि आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस यूनिवर्सिटी के पास में कौन कौन से अप्रूवल्स हैं, क्या इस यूनिवर्सिटी को एक्चुअल में ऑनलाइन और डिस्टेंस के कोर्सेज करवाने का अप्रूवल है। तो पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे मंगलायतन यूनिवर्सिटी के बारे में, सो दैट डिसाइड कर पाओ आप कि आपके लिए ये यूनिवर्सिटी कैसी रहेगी। तो बने रहिए हमारे साथ में। स्टूडेंट्स, मंगलायतन यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये एक स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूपी की काफ़ी रेपुटेड यूनिवर्सिटी है और 2006 में इस यूनिवर्सिटी को यूजीसी का अप्रूवल मिल गया था। लगभग 18 साल हो गए हैं इस यूनिवर्सिटी को, ये यूनिवर्सिटी लगातार काम कर रही है और अभी तक किसी भी तरह के स्कैम में इस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। स्टूडेंट्स, अगर हम इस यूनिवर्सिटी की नैक ग्रेडिंग की बात करें तो इस यूनिवर्सिटी को नैक ए प्लस का ग्रेड मिला हुआ है। 2023 में इस यूनिवर्सिटी को नैक ए प्लस का ग्रेड मिला था। नैक ए प्लस ग्रेड काफ़ी अच्छा माना जाता है। जो लास्ट ग्रेड होता है, जो टॉप ग्रेड होता है, वो ए प्लस प्लस का ग्रेड होता है। तो इस यूनिवर्सिटी को नैक ए प्लस का ग्रेड मिला हुआ है। स्टूडेंट्स, नैक ए प्लस का ग्रेड मिलने के बाद में यूनिवर्सिटी ने ODL के यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के अप्रूवल के लिए अप्लाई किया और साथ साथ ऑनलाइन कोर्सेज के अप्रूवल के लिए अप्लाई किया। तो इस यूनिवर्सिटी को 2024 में इन दोनों मोड्स का अप्रूवल मिल गया। तो यूनिवर्सिटी के पास में ऑनलाइन कोर्सेज करवाने का भी अप्रूवल है, यूनिवर्सिटी के पास में ODL यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज को भी करवाने का अप्रूवल है। स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है यूपी के अंदर जिसको BSc कोर्स को डिस्टेंस लर्निंग के अंदर करवाने का भी अप्रूवल है। BSc PCM और ZBC ये यूनिवर्सिटी डिस्टेंस मोड के अंदर स्टूडेंट्स करवा सकती है। इसके पास में जनवरी 2024 सेशन से अप्रूवल मिल गया था BSc PCM और ZBC कोर्स को करवाने का। स्टूडेंट्स, इस यूनिवर्सिटी के खास बेनिफिट की बात करता हूँ, बिकॉज इस यूनिवर्सिटी का जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो स्वामी विवेकानंद भारती यूनिवर्सिटी मेरठ से भी है। स्वामी विवेकानंद भारती यूनिवर्सिटी मेरठ मार्कशीट के लिए 200 रुपये का चार्ज करती है, लेकिन मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपको मार्कशीट के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करती है। यूनिवर्सिटी सेमेस्टर मोड पर एग्ज़ाम करवाती है और सेमेस्टर मोड पर आपको हार्ड कॉपी मार्कशीट इशू करती है। इसके अलावा अगर आपको स्वामी विवेकानंद भारती यूनिवर्सिटी मेरठ से अपना कोर्स करना है तो उसमें आपको हार्ड कॉपी मार्कशीट के लिए 200 रुपये का अलग से चार्ज देना होता है और आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। स्टूडेंट्स, अगर हम मंगलायतन यूनिवर्सिटी के नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें तो मंगलायतन यूनिवर्सिटी के पास में ODL और ऑनलाइन दोनों का अप्रूवल है, जबकि स्वामी विवेकानंद भारती यूनिवर्सिटी के पास में सिर्फ ODL यानी कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का अप्रूवल है। स्टूडेंट्स, अब मंगलायतन यूनिवर्सिटी का मैं आपको सबसे बड़ा और एक नेक्स्ट बेनिफिट बताता हूँ। अगर आप फॉरेन में हैं, अगर आप इंडिया से बाहर जॉब करते हैं, आप दुबई में हैं, आप कनाडा में हैं या फिर US में हैं, और अगर आप ऑनलाइन मोड में किसी इंडियन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहते हैं तो मंगलायतन यूनिवर्सिटी से आप ऑनलाइन मोड में अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। बिकॉज आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो जाती हैं, आपका एक LMS बन जाता है जिसके अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं, लाइव क्लासेस भी मिलती हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि एग्ज़ाम भी आपका ऑनलाइन हो जाता है। ऑल इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी बैठे हैं, आप अपना वेबकैम ऑन करके अपना ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हो। तो दोस्तों, यही होता है ऑनलाइन एजुकेशन और यही है मंगलायतन यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।